The next topic I am starting is the difference between the ionic and electrovalent compounds. Okay. Properties and comparison of electrovalent compounds. बच्चे इसमें लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं, बेटे देखो दो डिफरेंस है. एक है डिफरेंस बिटवीन द आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा है डिफरेंस बिटवीन द आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स. जब बॉन्ड का डिफरेंस आएगा बॉन्ड्स के बीच में तो आप सिंपल उसमें बताओगे कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज द वन इन विच द मेटल मेटालिक एटम कंप्लीटली ट्रांसफर्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द नॉन मेटालिक एटम. वेयर एज अगर कंपाउंड्स का डिफरेंस आएगा तो हम ये वाले डिफरेंसेस लिखेंगे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं. कभी भी जो डिफरेंसेस है वो ऐसे नहीं आते हैं द डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड. सिंपल ऐसे नहीं आता है. सिंपल आएगा द डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ. अब सबसे पहले देखो दे आर सेइंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस. आयनिक कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आयंस हैं. वी नो Q3 इट इज फॉर्मड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मेटालिक एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली वो वाला एटम विल बिकम अ कैटायन और जो नॉन मेटालिक एटम जो भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा दैट विल फॉर्म एन एनायन. ठीक. जब कैटायन एनायन फॉर्म हो रहे हैं तो ऑब्वियसली अनफॉर्मेशन हो रही और आयन फॉर्मेशन हो रही है. हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स इतने स्टेबल क्यों होते हैं क्योंकि देयर आर ऑपोजिटली चार्ज आयंस प्रेजेंट. तो जब ऑपोजिटली चार्ज आयंस प्रेजेंट है देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस दे आर वेरी स्टेबल. ठीक है. अब इसी में सेकंड पॉइंट देखो दे आर हार्ड सॉलिड्स. व्हाई आर दे हार्ड सॉलिड्स. कोई भी स्टेट ऑफ मैटर उसकी हार्डनेस कब इंक्रीज होती चली जाती है. उसकी हार्डनेस इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जितनी कम कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जितना कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही वो सॉफ्ट होगा और जितनी ज्यादा जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो उतना ही हार्ड होता चला जाएगा. क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट है. इसी वजह से वी आर सेइंग दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस दे आर हार्ड सॉलिड. उस दिन मेरे से किसी बच्चे ने डाउट पूछा था कि मैम क्या दोनों का सेम ही आंसर है दोनों पॉइंट्स का. तो यस द आंसर इज सेम. अब कोवेलेंट कंपाउंड्स देखो देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर गैसेस और लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स. This is one point very very important that your covalent compounds are made up of molecules. ठीक है. ये आपका one more question है कि the ionic compounds, the constituent particles of ionic compounds are dash. They are ions. ध्यान कैसे रहेगा? Because they are also known as ionic compounds. And covalent compounds are the have the constituent particles molecules. Why? Because there is no transfer of electrons. जब ना तो transfer lose electrons ना तो lose हो रहा है ना electron gain हो रहा है. ठीक है. There is sharing of electron. तो sharing होने की वजह से जो molecule form होगा उसमें ions present नहीं है. Atoms are present which are combining by the force of attraction and hence they are forming a covalent compound. Obviously, because they are sharing the electrons. तो जब electrons को share कर रहे हैं तो ions को form हो नहीं रहा है. तो electrostatic force of attraction जो है वो इतनी strong तो हो नहीं सकती जितने कि ionic compounds में है. मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपके जो स्टेट ऑफ मैटर है वो उतना ही हार्ड होता चला जाएगा. अब क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग
Hence, they exist either in the gaseous state or in the liquid state. Or if they are existing in the solid state, then the solids are soft solids. They are not hard solids. So, basic difference kya ho gaya? Ki aapke ionic compounds jo hai, they are hard solids. Your covalent compounds are soft solids, liquids or gases. Teen cheeze hai. Okay? About next difference ke upar. Boiling point and melting point. Now, boiling or melting point, kaise? Dekho bache, boiling point or melting point mein kya hota hai? Jab aap kisi bhi state of matter ko heat karte hai, to kya hota hai? Jo us state of matter hoti hai, for example, hum lete hain, malo, let us take water, liquid state. Aapne usko garam kiya, wo garam ho gaya, obviously. Garam kyun ho gaya? Why did the water become hot? Because the molecules of the water, they simply absorb the heat energy. And heat energy absorb karne se kya hua? Aap sab logon ne kinetic theory of matter padha hua hai. Usme humne kya padha tha? Ki jo state of matter hai, wo do baaton pe depend karti hai. Number one, heat energy. And number two is kinetic energy. Wo heat energy absorb karne se uski kinetic energy par kya fark padta hai? तो क्या हुआ वाटर के केस में उसने जो लिक्विड स्टेट में वाटर था उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी मॉलिक्यूल्स ने उसके एंड देन स्टार्टेड जो पहले मॉडरेट मॉलिक्यूलर मोशन शो कर रहे थे नाउ दैट देयर हीट एनर्जी दे हैव एब्जॉर्ब्ड हीट एनर्जी ऑब्वियसली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल नाउ बिकम मोर And hence, क्योंकि जब kinetic energy ज्यादा हो गई तो molecular motion ज्यादा हो गया जब molecular motion ज्यादा हो गया तो intermolecular space of attraction increase हो गई क्यों increase हो गई क्योंकि intermolecular force of attraction जो थी वो reduce हो गई यहाँ तक clear अब आते हैं melting और boiling point के ऊपर melting boiling point ionic compounds के बहुत high होते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम काइनेटिक थ्योरी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं सिंपल है आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयनिक कंपाउंड में देखो ये रहा सोडियम विद पॉजिटिव चार्ज ये है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है आपने क्या किया इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू किया ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वाली कूलम फोर्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाई क्योंकि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज दिस इज नेगेटिवली चार्ज तो जिस समय आपने हीट प्रोवाइड करना शुरू किया तो क्या होगा इस वेरी स्ट्रॉन्ग कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ओके सो नाउ क्लास क्या हुआ इस वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए थोड़ी बहुत हीट एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती वी विल बी रिक्वायरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लार्ज अमाउंट मतलब द टेंपरेचर्स मस्ट बी वेरी हाई जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ब्रेक हो सके तो इसे ब्रेक करने के लिए विल रिक्वायर वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी और ये हीट एनर्जी हमें कौन देगा हाई टेम्परेचर्स देंगे तो ऑब्वियसली हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी जो आयनिक कंपाउंड्स का है वो बहुत हाई होगा और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा अब आते हैं बिल्कुल इसके कंपैरिजन में कोवेलेंट कंपाउंड्स को देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स में हमने प्रीवियस वाले पॉइंट में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इसी वजह से वो इतने हार्ड सॉलिड्स भी नहीं होते दे आर सॉफ्ट सॉलिड्स ठीक है तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम थोड़ा सा भी अगर उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगी तो एज अ रिजल्ट उसका मेल्टिंग पॉइंट भी जल्दी आएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी जल्दी आएगा तो दैट मींस लोअर टेम्परेचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कोवेलेंट कंपाउंड्स बिकॉज़ दे हैव लेसर और वीकर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइन क्लास द थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर अब इसमें क्लास ये इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो कंडक्टिविटी को मार्क इट एज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये एग्जाम में आता है कंडक्टिविटी
okay class, now conductivity सबको पता, the conductivity of electricity इसका क्या मतलब है? That the electricity can pass from one electrode to the other electrode. जैसे कि हम कहते हैं कि जो metals हैं, they are good conductors of electricity. ठीक है? तो इसका क्या मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने देते हैं. ठीक है? अब आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले समझो, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ आयन्स. ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ और इसको ध्यान रखिए, दे आर मेड अप ऑफ आयन्स. जनरली आपने करंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? जो फिजिक्स में आप करंट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो क्या है? दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो करंट है. लेकिन आयनिक कंपाउंड्स में, आयनिक कंपाउंड्स में जो कंडक्टिविटी है, जो कंडक्ट कर होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होती. दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. That is not because of the electrons. That is because of the ions. जो ionic compounds में है, उसमें जो electricity conduct होती है, वो ions की वजह से होती है, electrons की वजह से नहीं होती. In fact, ये बहुत बड़ा difference है. ये जो हम पढ़ेंगे chapter 6 में electrolysis. ठीक है? अभी फिलहाल बस आप इतना याद रखिए that in conduct ionic compounds. In ionic compounds, the conductivity takes place because of the ions. क्यों? ये देखो, आपके पास ions हैं positive और आपके पास हैं negative. ठीक है? जब हम electrolysis पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि ये जो ions हैं, अगर ये free हो जाएं, free मतलब अगर ये free and mobile, अगर ये फ्री और मोबाइल, फ्री एंड मोबाइल मतलब दे आर एबल टू मूव फ्रीली, राइट? यहाँ पर देखो, इस मॉलिक्यूल में दे आर नॉट फ्री, दे आर नॉट मोबाइल. क्यों? बिकॉज बोथ द आयंस आर टुगेदर, दे आर बाउंड टुगेदर बाय दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है? अगर किसी तरीके से ये आयंस फ्री हो जाए और मोबाइल हो जाए तो क्या होगा? दे विल बी एबल टू मूव फ्रीली and the electricity will be able to conduct itself with the help of these free mobile ions in an ionic compound. अब खाली ionic compound में ऐसा possible क्यों है? क्योंकि केवल ionic compound में ही ions present हैं. Therefore, the ionic compounds are considered as good conductors of electricity. लेकिन अब यहाँ एक twist है. क्या twist है? When the ionic compounds are in their solid state, जब ये अपनी solid state में होते हैं, ठीक है? और ionic compounds, when ionic compounds are in their solid state, ठीक है? तो क्या होगा? जो इनके ions हैं, they are bound together by the strong electrostatic forces, और इस वजह से जो ये आयंस हैं, सोडियम है, क्लोराइड है, ये जस्ट एक एग्जांपल है. यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो आयंस है ना तो ये फ्री है ना ये मोबाइल है. ये दो वर्ड्स आप रख लो, फ्री मोबाइल. इफ द आयंस आर नॉट फ्री एंड मोबाइल, दे विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को आयनिक कंपाउंड्स में कंडक्ट होने के लिए कुछ तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करने के लिए कुछ मोबिलिटी चाहिए, कोई ऐसी चीज जो उसे ले जा सके. तो आपके आयंस फ्री भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है. तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट लिख लो अपने पॉइंट के ऊपर. क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, व्हाई द आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in the solid state. The reason is because the ions in solid state are not free and mobile due to strong electrostatic forces. ठीक है? अब liquid और gaseous state में क्या हुआ?
अगर ये अपनी लिक्विड स्टेट में आ जाए या ये अपनी गैसीय स्टेट में आ जाए, ठीक, तो क्या होगा? ऐसे में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है ये कैसी हो जाएंगी, ये वीक हो जाएंगी, टूट जाएंगी और गैस को लेवल से गैस को लेवल ली गैस वेन दे कम इन द लिक्विड स्टेट. अब लिक्विड की भी दो स्टेट्स होती है. पहला द लिक्विड स्टेट इज मोल्टन, दैट इज योर मोल्टन स्टेट. मोल्टन मतलब व्हाट डू यू मीन बाय मोल्टन? आयरन कंपाउंड की लिक्विड स्टेट में पहली चीज आई मोल्टन. मोल्टन मतलब पिघला हुआ. जब आपने कंपाउंड लिया, आपने कोई स्टेट ऑफ मैटर लिया और उसको मेल्ट कर लिया, ठीक है, हाई टेम्परेचर दिया और वो मेल्ट हो गया, दैट इज द मोल्टन स्टेट. मोल्टन स्टेट को हम फ्यूज्ड भी बोलते हैं, मोल्टन और फ्यूज्ड स्टेट, ठीक है. तो बेशक वो पिघला हुआ है या फ्यूज्ड है तो लिक्विड स्टेट, ठीक है. और दूसरी लिक्विड स्टेट हमें मिलती है जिसे बोलते हैं एक्वस स्टेट. एक्वस स्टेट क्या होती है? एक्वस स्टेट मतलब जब आपने उस स्टेट उस मैटर में पानी ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, वाटर मींस एक्वा, उसमें आपने वाटर ऐड कर दिया, तो जब वो वाटर ऐड हुआ तो वो उसमें डिसॉल्व हो गया, ठीक है, तो लिक्विड स्टेट बन गई. तो बेसिकली जो एनायनिक कंपाउंड्स है उनकी दो तरीके से हम लिक्विड स्टेट बना सकते हैं. फर्स्ट ईदर बाय मेल्टिंग देम, जिसको हम कहते हैं मोल्टन और फ्यूज स्टेट, और दूसरा एक्वस स्टेट जिसको हम कैसे बना सकते हैं, बाय एडिंग वाटर टू द आयनिक कंपाउंड. तो बेसिकली इन दोनों स्टेट्स में एक्वस हो या मोल्टन हो, है तो वो लिक्विड स्टेट ही, अपनी लिक्विड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड्स है उनके जो आयन्स हैं वो फ्री हो जाते हैं और मोबाइल हो जाते हैं. तो बिकॉज द आयन्स बिकम फ्री एंड मोबाइल, क्यों? बिकॉज ऑफ द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन and they are broken. ये weak electrostatic forces of attraction break हो जाती हैं और आपके ions जो हैं free mobile हो जाते हैं, move करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो electricity है वो एक जगह से दूसरी जगह पर easily flow कर जाती है, ठीक है. So I hope this is clear. Ionic compounds are good conductors of electricity, not in the solid state but only in the लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट में भी मोल्टन और एक्वस दोनों स्टेट्स. यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं बच्चे कोवेलेंट कंपाउंड्स. व्हाई द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कॉमन सेंस. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है. कौन सी दो चीजें हैं? पहली, या तो उसके पास आयन हो, ठीक है, या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, कोई एक चीज तो होनी चाहिए, या तो आयन्स होने चाहिए या इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. अब कोवेलेंट कंपाउंड्स में ऑब्वियसली आयन्स तो है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स आयनिक कंपाउंड्स में होते ही नहीं है. हम यहाँ पर आयन्स की फॉर्म में बात करते हैं. सो इलेक्ट्रॉन्स आर आउट ऑफ क्वेश्चन, इसको हटाओ, नो इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ओनली द आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल. तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में तो आयन्स प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. Therefore, since no free mobile ions are present, on the contrary, no ions are present in the covalent compounds, the electricity do not flow in the covalent compounds in either of its state. Now, the solid, na liquid, किसी भी state में आपका covalent compound में electricity conduct नहीं करती है. All right. Next up. Ionization in solution and point number 5 देखो dissociation. यहाँ दो चीजें मैं एक साथ बता रही हूँ, इनको लिख लेना, I'm just dictating. Ionization और dissociation, तभी इसका मतलब समझ लो. What is ionization? Ionization. Ionization is the process of formation of ions. It is the process of formation of ions.
आयनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस. बच्चे एक चीज इसमें ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं. इट इज नॉट आयनाइजेशन एनर्जी. ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं लिखी है मैंने. इट इज सिंपल, एक वर्ड है आयनाइजेशन. इन दोनों चीजों को कंफ्यूज मत करना, ठीक है. दिस इज आयनाइजेशन. एंड व्हाट इज सेकंड? डिसोसिएशन. Dissociation. What is dissociation? That is separation. Separation of already existing ions. Okay. Dissociation, ionization. इसमें basic difference क्या है? Ionization में ions होते ही नहीं. There are no ions, वो बन जाते हैं. It is the process of formation. है नहीं, बनेंगे. और dissociation में क्या है? Separation of already existing. मतलब ions already है, सिर्फ क्या है? अलग अलग हो रहे हैं. डिसोसिएशन कौन शो करता है? डिसोसिएशन शो करता है आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है. आयनिक कंपाउंड जो है वो डिसोसिएशन शो करते हैं. क्यों? खुद देखो, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है. आयन्स ऑलरेडी है बने हुए, ठीक. जब आयन्स ऑलरेडी बने हुए हैं, सिंपल क्या होगा? हाई टेम्परेचर दोगे तो आपका Na पॉजिटिव अलग हो गया एंड Cl नेगेटिव वो अलग हो गया. दैट मींस आयंस वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, आयंस ऑलरेडी थे, सिर्फ वो अलग अलग हो, ठीक है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोसिएशन. क्लियर? अब हम आयनाइजेशन में. आयनाइजेशन क्या है? आयंस थे ही नहीं, बन गए. कैसे बन गए? कहाँ बनेंगे? हमने यहाँ पढ़ा था पोलर कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. दिस वी हैव रेड. पोलर कोवेलेंट में हमने क्या पढ़ा था? एच डेल्टा पॉजिटिव, Cl डेल्टा नेगेटिव. ये हमने पढ़ा था कि ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूल है जहां पर आयंस है नहीं, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन पर थोड़ा थोड़ा, वेरी स्मॉल फ्रैक्शनल स्लाइट डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है. मैंने आपको बताया था इस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव या स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है कि इसके ऊपर पूरा का पूरा वन पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है. ये जो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब है इट इज इवन लेसर देन वन, वन से भी कम है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? व्हेन दे विल बी मेड टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन. जब ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आयनाइज करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस. देखो ये आयंस यहाँ नहीं थे लेकिन ये आयंस बन गए, ठीक है. कौन से आयन बन गया? H डेल्टा पॉजिटिव से पूरा का पूरा H पॉजिटिव बन गया और Cl डेल्टा नेगेटिव से पूरा का पूरा Cl नेगेटिव बन गया, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. टू प्रोसेसेस, आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन. आयनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस. दैट मींस आयंस वर नॉट देयर, थे नहीं, बन गए, ठीक. डिसोसिएशन, सेपरेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आयंस. ऑलरेडी आयंस एग्जिस्ट कर रहे थे जैसे आयनिक कंपाउंड्स में, और सिंपल हुआ क्या कि ये आयंस अलग अलग हो गए. अलग अलग होने का मतलब दे हैव बिकम फ्री मोबाइल. यहां तक क्लियर? डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन बोथ आर क्लियर? अब अपने बुक में देखो.
Ionization and solution. Electrovalent compounds are composed of ions. In solution, these ions become mobile. These are electrolytes. ये इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट जो है बच्चे ये हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे इसलिए आप इसको लेके कंफ्यूज मत होना. सिमिलरली डिसोसिएशन में देखो देयर आयंस डिसोसिएट एंड माइग्रेट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट. ठीक है, अगेन अभी इस चैप्टर में इस पॉइंट पे आप सिर्फ ये दो बातें पढ़ लो. इसको जो यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोड्स एटसेट्रा दिस आई विल एक्सप्लेन यू. वी विल पिक अप बोथ दिस पॉइंट्स व्हेन वी गो टू चैप्टर 6. इस चैप्टर के बाद चैप्टर 2 के कंप्लीट होने के बाद हम चैप्टर 6 ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो डोंट वरी, ये दोनों पॉइंट्स तब मैं दोबारा समझाऊंगी. अभी सिर्फ आप ये दो चीजें ध्यान रखिए. ठीक है, चलिए अब आते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके डिफरेंशिएट आते हैं आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स में, एक तो आता है कंडक्टिविटी में, बहुत बार आता है, और एक आता है सॉल्युबिलिटी में. ठीक, और एक डिफरेंस आता है आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में. इवन नेचर नंबर वन वाला जो था वो भी आता है. ठीक, अब आ जाए सॉल्युबिलिटी. जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वेयर एज द covalent compounds are soluble. Okay, now let us come to the solubility. Yes, they are highly soluble. Ionic compounds are highly soluble in water. Covalent compounds are highly soluble only in the polar covalent compounds or polar solvents. Okay. Solubility, these are soluble in water but insoluble in organic solvents. As water is a polar covalent, ab ye samajh lo. Here the point is ki ionic compounds jo hai वो वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं. द क्वेश्चन इज व्हाई द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. एग्जांपल देखो, अगेन आई एम टेकिंग NaCl. ठीक है, नाउ NaCl इज अ आयनिक कंपाउंड. ठीक, आपने क्या किया, आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया. ठीक, दिस इज वाटर. वाटर कैसा कंपाउंड है, वॉटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. कैसे, आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था HOH. ठीक है, H was delta positive and OH is delta, it was like this, delta positive and delta negative. After the formation of, after the process of ionization, ये जो water था, ultimately इसने क्या बनाया? एक H positive charge बनाया और एक OH negative charge बनाया. By the process of self ionization, self ionization से self ionization कैसे होता है बच्चे? self ionization में ये हम आगे पढ़ेंगे coordinate bond में, जब coordinate bond start करेंगे. अभी आप सिर्फ ये समझिए कि process होता है वो अपने आप से खुद में ही ions form कर लेता है and this is shown by the water which otherwise is a polar covalent compound. ठीक है, तो इसने क्या किया, एक H positive charge बनाया और एक OH negative charge बनाया. अब इसके बाद क्या हुआ, आपने जब इस सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपके लिए अलग चार्जेस हैं ये और ये, वाटर का एच पॉजिटिव और सोडियम क्लोराइड का सीएल नेगेटिव, ऑब्वियसली ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे विल बी अट्रैक्टेड. ठीक, और जब अट्रैक्ट होगा तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक पड़ेगा. क्यों,
क्योंकि जो ये वाला और ये वाला ऑपोजिट चार्जेस है ये भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो आप ऐसे समझ लीजिए ये कुछ इस तरीके की चीज होगी कि ये एन है, ये सी एल, और ये इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इस एन ए पॉजिटिव को अब इस एन ए पॉजिटिव को किसने पुल किया अपनी तरफ, ओ एच ने, अगर ये खींचा, इस सी एल नेगेटिव को किसने खींचा, इस एच पॉजिटिव ने, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस थे, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गई, ये ब्रेक कर गई। तो ब्रेक करने से क्या हुआ कि आपका जो NaCl था वो वाटर में डिसॉल्व हो गया, गॉट इट। सो ये किस वजह से हुआ, बिकॉज द वाटर बीइंग अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इट विल बी एबल टू अट्रैक्ट द अनलाइक चार्जेस फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड्स। अपनी बुक में देखिए, these are soluble in water but insoluble in organic solvents, why, because water is a polar covalent compound, decreases the electrostatic forces of attraction resulting in free and mobile ions, aur ye weak kaise hoti hai electrostatic force of attraction, kyunki water ke jo ions hote hain wo ionic compounds ke jo various ions hain unko apni taraf pakad ke pull kar lete hain। जैसे H पॉजिटिव ने Cl नेगेटिव को पुल किया और Na पॉजिटिव ने OH नेगेटिव ने Na पॉजिटिव को पकड़ के पुल किया, तो एज अ रिजल्ट दे डिसॉल्व, सेपरेट हो जाते हैं तो डिसॉल्व हो जाते, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड में कोई आयन प्रेजेंट ही नहीं है, तो जब आयन ही प्रेजेंट नहीं है तो वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में वाटर में डिसॉल्व नहीं, तो वो किस चीज में डिसॉल्व हो गए, क्यों तेजी से आपका जो वाटर है उसमें अनलाइक चार्जेस प्रेजेंट है, जैसे ही आयनिक कंपाउंड वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये अनलाइक चार्जेस फटाफट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी जो ओल्ड मॉलिक्यूल है वो ब्रेक कर जाएगा और एक नया मॉलिक्यूल उतनी तेजी से फॉर्म करेगा। सो ब्रेकिंग अप ऑफ एन ओल्ड मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली इफ इट इज टेकिंग टू फास्ट देन द रिएक्शन इज रैपिड, जल्दी से हो जाएगा। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या है, रिएक्शन बहुत स्लो होता है, क्यों स्लो होता है, because the old bonds are broken slowly, धीरे धीरे पुराना बॉन्ड ब्रेक करेगा, उतनी धीरे धीरे नया मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, as a result the reaction is going to be slow। अब अच्छा ये मैंने आपको आज बहुत सारा एक्सरसाइज करा दिया है, there are 7 points that I have discussed with you, I want you to go through these properties and did I ask you to write the definitions of covalent and ionic compounds? Polar, non-polar, इनके definitions मैंने आपको लिखने के लिए बोली थी। So class, I want you to complete these in-text questions. ये questions आप अपने book में ही complete करेंगे, ठीक है? और अपने book में complete करके जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ये कंडीशन, ये क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को जो है इसको तो आप अपनी कॉपी में करेंगे, बाकी क्वेश्चंस जो वन वर्ड वाले हैं मोस्टली इसमें वन वर्ड है, या जैसे ये है आइडेंटिफाई करना है इन सबको, तो ये सबके सब आप बुक में करेंगे, ऑल द 16 क्वेश्चंस, ठीक है? और किसी बच्चे को जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा आप उस क्वेश्चन की एक फोटो क्लिक करेंगे और मुझे लिख के
जो हमारा केमिस्ट्री ग्रुप है. बच्चे मुझे प्राइवेटली नहीं भेजेगा कोई भी, केमिस्ट्री के ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन की फोटो खींच के, क्योंकि हो सकता है मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर अलग हो, आपकी में अलग हो, तो फोटो खींच के आप मुझे भेजना एंड आई रिस्पॉन्ड. ठीक है. एंड ये भी मुझे बताना आज की क्लास वॉज इट स्मूथ, कोई केओस तो नहीं हुआ, वॉज इट यूजफुल, ठीक रही, जरूर से मुझे रिस्पॉन्ड करना. एंड आई एम जस्ट वाइंडिंग अप फॉर द डे. नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ लेना एंड रेस्ट इज ऑल फाइन. सो मैम पूरे